हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में ये पूरा देख चुके हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने देख लिया था, टिलिंग, प्लोइंग, ये सारा का सारा हम लोग चीज़ें देख चुके हैं। ये सब क्या होता है, कल्टीवेटर से क्या होता है, सोइंग कैसे होती है ट्रेडिशनल टूल से, और एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्योर क्या होते हैं, मेन्योर नेचुरल होते हैं, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनते हैं, है ना। तो ये सब हमने देख लिया था और कि फर्टिलाइजर से कैसे हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचता है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप ये समझ लिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे ना तो फर्टिलाइजर इज़ मैन मेड, तो भी ठीक है काम ठीक चल जाएगा। फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। देखिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती हैं जो नेचर में हमें मिलती हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जैसे कि गैसेस जो हो गई, गैसेस इनऑर्गेनिक होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से मिलकर के, नाइट्रोजन से मिलकर के फर्टिलाइजर बनता है, तो ये इनऑर्गेनिक होता है। सॉल्ट का मतलब नमक जैसे होता है ना, इसी तरीके के जैसे हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं वो तो NaCl होता है, बट इसके अलावा और बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि आप डिटर्जेंट, सोप से कुछ भी यूज़ करें, हर किसी चीज़ में सॉल्ट होता है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मैन मेड होते हैं, इंसान बनाते हैं। मैन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यूज। डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक मतलब जो गाय का गोबर है वो सड़ जाता है, या फिर जो प्लांट या ट्रीज़ वगैरह की बची हुई जो चीज़ें होती हैं जब वो सड़ जाती हैं तो उससे मैन्योर बनता है। फिर फर्टिलाइज़र का सेकेंड पॉइंट आता है, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स को हम लोग फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं, और मैन्योर्स को हम लोग फील्ड में, मतलब अपने घरों में, खेतों में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो गाय के गोबर से, बाकी एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनता है। उसको हम लोग ऐसे दबा देते हैं मिट्टी में, और तो जो है डिकम्पोजर्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और उसको सड़ाना शुरू कर देते हैं, और वो मैन्योर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को। ह्यूमस मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जिसकी वजह से मॉइस्चर भी आता है सॉइल में और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, वो फर्टिलाइज़र से नहीं मिलता। फर्टिलाइज़र जो फिक्स चीज़ जैसे कि नाइट्रोजन उसे देना है तो वो सिर्फ वही देगा। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस, काफ़ी सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही चीज़ होती है ज़्यादातर फर्टिलाइज़र में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। और बट जो नेचुरल मैन्योर होते हैं इसमें थोड़े से कम रिच होते हैं इन सारे, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में तो हम अपनी मर्ज़ी से कितना भी ऐड कर सकते हैं, बट मैन्योर्स में तो वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। अब आपको फ़ायदे बताने हैं कि मैन्योर जो होता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब जो सॉइल होती है ना, मिट्टी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसमें पानी ज़्यादा टिके, इस कैपेसिटी को जो है मैन्योर इम्प्रूव कर देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। तो पोर्स ला देता है, मतलब मिट्टी में ना इस तरीके के छेद अच्छे वाली तरीके से ला देता है, जिससे जो गैस है ना वो नीचे से बाहर से अंदर आसानी से जा पाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है जिनको ज़रूरत होती है, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इस तरीके के माइक्रोब्स की ग्रोथ में ये मदद करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो टेक्स्चर है ना उसको, मतलब सॉइल कैसी दिखने में है, कैसी छूने में है, और कितनी अच्छी उससे फसल उग सकती है, उसको भी मैन्योर इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, हर इंसान, जानवर, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, सबको पानी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। वाटर हमारी ग्रोथ के लिए और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर के साथ साथ वो काफ़ी सारे मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो कि उसमें मौजूद होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर, मतलब प्लांट जो होता है ना पूरा, उसमें 90% तो पानी ही होता है, ठीक है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो जर्मिनेशन है, मतलब सीड जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, जो आपका बीज है वो बढ़ेगा ही नहीं अगर उसको पानी नहीं मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में मिल जाते हैं। आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और सारे के सारे रूट से लिया पानी, रूट ने पानी लिया, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं ना हर पार्ट में वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो जो वाटर है वो फ्रॉस्ट से, फ्रॉस्ट होती है जैसे कि ओस पड़ गई, बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है, उसे भी प्रोटेक्ट करता है, और हॉट बहुत ही गर्म तेज़ चलने वाली हवाओं से भी पानी प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। मतलब अगर आपको अच्छी मेंटेन करनी है ना, अपने फील्ड को अच्छा रखना है, सॉइल को अच्छा रखना है, तो उसको पानी रेगुलरली देना पड़ता है। और सप्लाई ऑफ वाटर अगर हम लोग करते रहते हैं ना रेगुलर इंटरवल पे, तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी का सप्लाई क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब जैसे कि आज दे दिया, कल दे दिया, जैसे आप पौधों को पानी देते हैं अगर आपके घर में होते हैं, तो एक तरीके का फॉर्म ऑफ इरिगेशन ही होता है खेतों में। फिर बोरवेल और काफ़ी सारी चीज़ों से दिया जाता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में। अब देखिए टाइम कितना है और कितना ज़्यादा पानी देना है किसी क्रॉप को, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, सॉइल टू सॉइल भी वेरी करता है, और सीजन टू सीज़न भी वेरी करता है। देखिए समर में जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है सॉइल से, वाटर से, लीव से, इसलिए गर्मियों में इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बारिश में तो खैर अपने आप ही पानी मिल जाता है ना। और सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, किस किस तरीके से आप इरिगेशन कर सकते हैं, तो इरिगेशन के लिए आप वेल का, ट्यूबवेल का, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स, केनाल्स, इन सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस का? कुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्यूबवेल का कर सकते हैं, पॉन्ड्स का कर सकते हैं, लेक्स, रिवर, डैम्स, केनाल्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इरिगेशन करने के लिए। तो ये देखिए टैंक से कर रहे हैं, है ना, इसको मोट भी बोलते हैं। टैंक के जो जैसा ये कुएं टाइप का है ना, इसको मोट बोलते हैं, मोट फॉर्म ऑफ इरिगेशन। हाँ, तो ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनली किस तरीके से इरिगेशन किया जाता है। वाटर अवेलेबल इन वेल्स, कुओं में जो पानी होता है, लेक्स में, कैनाल्स में, इज़ लिफ्टेड, उसको उठाया जाता है अलग अलग मेथड से अलग अलग रीजन में, और उसको खेतों तक ले जाया जाता है। कैटल, जानवर या फिर ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया जाता है उस पानी को निकालने के लिए। तो ये मेथड जो है वो थोड़े सस्ते होते हैं बट इतने एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि जानवर इंसान थक जाते हैं और ज़्यादा पानी फिर हम नहीं दे पाते फसलों को। तो ट्रेडिशनल वेज जिससे करते हैं, तो पुली सिस्टम, मोट बोलते हैं जिसे, मोट देखिए पुली लगी हुई है, नहीं पुली, पुली ऐसा होता है कि वो गोल गोल गोल, यहाँ पे एक रस्सी होती है और यहाँ पे रस्सी होती है, आप इस रस्सी को खींचेंगे, ये पुली गोल गोल घूमेगी और आसानी से आपके जो कुएं के अंदर बाल्टी है वो निकल के आ जाएगी। ये मोट सिस्टम हो गया, ठीक है। चेन पंप, ये मोट हो गया, यहाँ पर ये हो गया चेन पंप, यहाँ से इस तरीके से, जैसे कि ये देखिए कैनाल है, इससे ऐसे करके पानी नीचे करके जा रहा है, ये मोट पंप वो हो गया चेन पंप। और ये देखली, देखली में ऐसे करके पत्थर पे रख देते हैं, फिर ऐसे करके इसको दबा देते हैं और जब पत्थर ऊपर उठाता है तो बाल्टी से पानी निकल जाता है। तो आपको इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है, बस ये समझ लीजिए कि मोट हो गया, चेन पंप हो गया, और ये देखली हो गई, रहट, ठीक है, रैट के कुएँ जो है यूपी साइड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रहट, ये जो है ना सारे के सारे इरिगेशन सिस्टम थे पुराने ज़माने में। आपको याद रखना है देखली, रैट, है ना, मोट, चेन पंप, ये इनके नाम आपको याद रखने हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, पम्प्स जो हैं उनका कॉमनली इस्तेमाल किया जाता था पानी को उठाने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। अब पम्प्स का आजकल बहुत ज़्यादा बोरवेल जैसे बोलते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिजली से चलते हैं, तो कोई डीजल से चलता है, और अब तो सोलर एनर्जी से भी चलने लगे हैं। मॉडर्न मेथड जो है स्प्रिंकलिंग का, सॉरी इरिगेशन का, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ना देखिए ऐसे करके यहाँ से ना पानी आ रहा होता है, और इस तरीके की ना टंकियाँ टाइप की लगी होती है, और इसमें ना फव्वारा होता है, और फव्वारे की तरह इस तरीके से पानी हर तरफ फैल रहा होता है। तो दिस मेथड इज़ यूजफुल जब जो लैंड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन होता है और उसको हम लोग सही तरीके से पानी नहीं पहुँचा सकते, तो स्प्रिंकल से वो हर जगह अच्छे से पहुँच जाता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक पाइप होता है, उसमें एक नोजल जैसी लगी होती है, इसमें से पानी जा रहा होता है, ठीक है, फिर खेतों में इस तरीके से पहुँच रहा है यहाँ पर से, और फिर यहाँ पर खेतों में ये ऐसी लगी होती है जिससे पूरे में पानी ऐसे ऐसे करके फैल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो वही है द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। देखिए रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, टॉप होता है ना वो गोल 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 घूम के नोजल्स इसमें लगी हुई होती हैं। नोजल्स आप एक टंकी टाइप की समझ लीजिए, घूमती है वो टंकी, ठीक है। आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, जैसे कि आपको अगर इसमें पानी देना है ना तो इससे ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. तो sprinkler में आप समझ गए, आपने घरों में भी देखा होगा फव्वारे की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में एक एक बूंद करके पानी गिरता है, यहाँ से पानी जाता है और एक 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 बूंद बिल्कुल मतलब पेड़ की जड़ में गिरता है, इससे पानी काफ़ी ज़्यादा बचता है। drip irrigation. In this system, the water falls drop by drop directly near the root. मतलब root के पास बिल्कुल directly एक एक बूंद करके गिरती है, इसलिए हम इसको ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कहते हैं। बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट प्लांट्स को वाटर करने के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज़ के लिए। वाटर इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और ये ऐसे रीजन्स के लिए बून है, मतलब वरदान के जैसा है जहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स होते हैं ऐसे पेड़ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, फालतू में ये जो उग जाते हैं खेतों में, इनको निकालने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फिर हमारी फसल का न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो अनडिज़ायरेबल प्लांट। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड, मतलब उन अनडिज़ायरेबल हैं, हम लोग को ज़रूरत नहीं है उनकी, वो खुद ही उग जाते हैं, तो हमें निकालने की ज़रूरत होती है। और रिमूवल का जो प्रोसेस होता है ना, वीड्स निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग ज़रूरी होती है क्योंकि वीड्स जो है कम्पीट करते हैं क्रॉप्स के साथ, उनसे कॉम्पिटिशन करते हैं खाने के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, तो इसलिए वो इफेक्ट कर देते हैं क्रॉप को। और वो इंटरफेयर भी करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी, और कुछ तो पॉइजनस हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। पॉइजनस मतलब जहरीले हो सकते हैं, हमें नुकसान भी दे सकते हैं कुछ वीड्स। वीड्स तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको वहीं हमें ज़रूरत नहीं होती, खुद उग जाते हैं। हटाते क्यों हैं हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि हमारी फसल के का पानी लेगा वो, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स भी लेगा ज़मीन में से, है ना, स्पेस, लाइट, हर चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन देगा हमारी फसल को। फार्मर्स काफ़ी सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको निकालने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स हेल्प्ड इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। मतलब टिलिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर में कि टिलिंग कैसे की जाती है, तो उसकी टिलिंग के प्रोसेस से भी आप लोग वीड को निकाल सकते हैं। और विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, ठीक है, वीड निकाल दिया फिर वो मतलब पौधा सूख गया, मिक्स हो गया सॉइल से, तो मैन्योर का काम कर देगा। बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और बेस्ट टाइम कब होता है कि जब उन फूल या फिर उन पे जो बीज है उससे पहले उसको निकाल दे, क्योंकि बीज आ गया तो नया वीड उगा देगा वो, है ना, तो उससे पहले उसको निकाल देना चाहिए। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल रिमूवल का मतलब अपने हाथ से खींच करके उसको निकाल देते हैं टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन बाय खुरपी, खुरपी से करते हैं उसको। खुरपी होती है ना, ऐसे करके होती है, देखी होगी आई गेस आपने सबने, इस टाइप की होती है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग केमिकल्स, वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स भी आते हैं केमिकल्स, उससे भी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, फसल पे स्प्रे कर देते हैं और वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। वीडीसाइड डाइल्यूटेड पानी में मिला करके जितनी ज़रूरत है उतना हम लोग स्प्रे कर देते हैं। तो तीन मेथड हमने क्या देखे, एक तो वीडीसाइड डाल दो, एक खुरपी से मैनुअल मेथड से हटा दो, और एक सबसे पहले जब टिलिंग कर रहे होते हैं तब भी हट जाती है। अब आता है नेक्स्ट, ये वीडीसाइड स्प्रे कर रहे हैं। हमने जैसे पहले मेंशन कर दिया कि वीडीसाइड जो स्प्रे करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ की वीड पे असर करता है, और कब कर देते हैं हम लोग, फूल आने से और उसके बीज सीड्स आने से पहले कर देते हैं। मगर ये जो वीडीसाइड्स है ना, ये हमारी फार्मर की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इन केमिकल्स का काफ़ी केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना नाक, मुंह जो है वो अच्छे से किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए और तभी जो है इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग मतलब होता है काटना, अब आपने उगा ली है तो आप काटेंगे भी, काटना काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप को काटना जब वो पूरी तरीके से पक जाती है उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, क्रॉप्स को आप खींच के निकाल देते हैं या फिर काटते हैं जो है। यूजुअली इट टेक्स 3 से 4 महीने फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। लगभग 3 से 4 महीने जो है फसल को पकने में लगते हैं और उसके बाद उसको काटा जाता है। हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में या तो हम लोग मैनुअली करते हैं, हाथ से करते हैं, सिकल से, देखिए ये दराती टाइप की है, सिकल से करते हैं, या फिर हम मशीन से करते हैं जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। और इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, कटी हुई क्रॉप होती है, ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, ठीक है। जो ग्रेन होता है ना उसको ऊपर का कवर, उसको हम जैसे मान लीजिए गेहूँ है, आपने गेहूँ के ऊपर देखा होगा कवर सा होता है ना, तो वो कवर हमें हटाना होता है। तो ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ, जो ग्रेन के ऊपर जो ऐसा कवर होता है ना, उसी को हम शाफ बोलते हैं। तो ग्रेन सीड को शाफ से अलग करना होता है, इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन का मतलब है कि वो हार्वेस्टर भी होता है, कटाई भी करता है, और थ्रेशर भी होता है। थ्रेशर का मतलब जो बीज के बाहर की लेयर थी ना, उसको भी हटा देता है। तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का ये काम करता है कंबाइन। ठीक है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ बाय विनोइंग। और जो फार्मर्स होते हैं, छोटे लैंड होते हैं, गरीब होते हैं, वो कैसे करते हैं, शाफ को रिमूव कर देते हैं। शाफ मतलब बाहर की जो कवरिंग होती है ना, गेहूं पे, चावल पे, किसी फसल पे, उसको हम लोग शाफ बोलते हैं। तो वो विनोइंग होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना 6th क्लास में कि हवा की हेल्प से विनोइंग मशीन भी होती है। और आपने औरतों को देखा होगा, वो छन्ने से लेके हिलाती रहती है ना, उससे भी जो है शाफ अलग हो जाता है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल काफ़ी सारे, मतलब जैसे 3-4 महीने की फसल होती है, उसके बाद फसल की कटाई होती है, तो उसके बाद त्यौहार भी काफ़ी ज़्यादा मनाए जाते हैं हमारे, इसमें यही बताया गया है। जैसे कि हर त्यौहार हमारे देश का, पोंगल, होली, दिवाली, नाबन्या, बिहू, सब जो है फसलों से रिलेटेड है। स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने फसल काट लिया तो अब आपको स्टोर भी तो करनी पड़ेगी। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हैं वो हम लोग बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, उनको हमें बचा करके रखना होगा नमी से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किस किस से बचा के रखना होगा, नमी लग जाएगी तो सड़ जाएगा, चूहे वूहे खाते हैं बहुत ज़्यादा, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, सड़ जाती है फसल, है ना, इन सब से बचा के रखना होता है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, ग्रेन का मतलब फसल होती है, तो फसल जब हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर जो हमने हार्वेस्ट करा है उसको हम स्टोर कर दें बिना उसको सुखाए, तो वो स्पॉइल हो जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उस पर अटैक कर देंगे और फिर वो अनफिट फॉर जर्मिनेशन, मतलब यूज़ के लिए हम लोग उनको खा भी नहीं पाएंगे और फिर दोबारा उनसे फसल उगा भी नहीं सकते, ख़राब हो जाते हैं। हैंस बिफोर, उनको स्टोर करने से पहले हम लोगों को पहले उनको सन में अच्छे से सुखाना होता है। इससे काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया, फंगी, ये सारी की सारी चीज़ें उन पर नहीं लगती हैं। ठीक है, तो फार्मर जो है स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट के कट्टे के बैग होते हैं ना, या फिर मेटलिक बिन्स में, मेटल के भी बिन्स होते हैं। हाउएवर काफ़ी ज़्यादा अगर ग्रेन्स होते हैं, इज़ डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। सिलोज या ग्रेनरीज होते हैं, गोदाम होते हैं ना, उसमें रखा जाता है। और उनको प्रोटेस्ट, जैसे पेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ें ख़राब करते हैं, इंसेक्ट हो गए, रैट्स हो गए, इनसे भी बचा के रखा जाता है। और क्या कर सकते हैं आप, सूखे नीम के पत्ते जो फूड आर स्टोरिंग फॉर फूड ग्रेन्स एट होम, सूखे नीम के पत्ते डाल सकते हैं आप लोग अपने फूड ग्रेन में। काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी अगर ग्रेन्स की आपको रखनी है तो बड़े बड़े गोदाउन में, और स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की भी उनको ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल्स भी लगाए जाते हैं ताकि वो सड़े ना। अब आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से, जानवरों से भी हम लोग खाना लेते हैं, जैसे दूध हो गया, है ना। तो हमने प्लांट से तो बहुत सारे ले लिए, चावल और अपना आटा हो गया, हर चीज़ जो है हम लोग को प्लांट से मिलती है। अब काफ़ी सारे जो हैं लोग क्या करते हैं, कोस्टल एरियाज़ में जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग फ़िश खाते हैं अपनी, उनके डाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट से कौन से हम लोग चीज़ें लेते हैं और एनिमल से कौन सी लेते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि कितने सारे स्टेप्स होते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। सिमिलरली एनिमल्स को भी जो है रियर किया जाता है। रियर का मतलब होता है पाला जाता है। एनिमल्स को भी घर में पाला जाता है या फिर फार्म्स में पाला जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उनको अच्छा खाना दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई किसान है, उसने 10, 20, 50 गाय भैंस पाल रखी हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है और फिर उसके बदले में उससे दूध निकाल रहा है, तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अभी देखिए, फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। वी हैव कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। हम लोग कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, वो विटामिन डी में होता है रिच। विटामिन डी खाने की क्या ज़रूरत है, आप धूप में खड़े हो जाइए, आधा घंटे सुबह उठ के घूम लीजिए, आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। तो ये हम लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करना है ज़रूर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नया चैनल है, हमने अपना दूसरा चैनल बनाया है लर्नर बी के अलावा ये वाला, तो इसको भी ऐसे ही प्यार दीजिए और जल्दी से मतलब देखते रहिए वीडियोस, ताकि मैं पूरे बुक आपकी फटाफट से कंप्लीट कर दूँ। थैंक यू।